क्या नाम है भाई आपका? मेरा सेजवीर सिंह। क्या नाम है? सेजवीर सिंह। कहाँ रहते हैं आप? क्या फतेहगढ़। फतेहगढ़ में। अच्छा, ये जो आप सेवा कर रहे हैं किसी एनजीओ के थ्रू कर रहे हैं या आपने? अपने दिल से कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं अपने दिल से कर रहे हैं, एनजीओ वगैरह। अच्छा, कितने पैकेट लेके आए थे आप? अभी होंगे 350। 350 अच्छा, अपने मन से कर रहे हैं। अच्छा, किसी के द्वारा ये पैसा ऐसा लेके किया गया आपने? अपने पैसे से कुछ नहीं, अपने पांच ही लोगों ने मिलकर किया है। अच्छा, पानी की बोतल कितनी थी लगभग? पानी की बोतल हाँ, वही समथिंग ऐसी होगी। अच्छा, आज ही किया है? आज ही ऐसा है, हम लोग हर साल करते हैं हम लोग। अच्छा, हर साल करते हो? चाहे साल में दो बार हो जाए, लेकिन अपने श्रद्धा जो होता है हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, आज ही किया है? आज ही किया है, कल भी करोगे? अब ये हम आज कर रहे हैं, हो सके कोशिश 8 तारीख को भी करेंगे, 1 तारीख को भी कर सकते हैं, वो हमारी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। अच्छा, अभी तक कितने पैकेट बांट दिए होंगे? अभी हम लोगों ने बस ये 300 समथिंग बांट दिए। 300 पैकेट बांट दिए। अभी आप पहले ही बांटने आए हैं इससे पहले कहीं? नहीं, हम लोग बांटते चले आ रहे हैं। बांटते चले आ रहे हैं, नेकपुर पुल से बांटते भी चले आ रहे हैं। नेकपुर से पुल से यहाँ तो बांटते चले। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। दिहाड़ी मजदूरों की मजबूरी देख युवाओं ने कसी कमर, किया खाने पीने का इंतजाम। भोजन के लिए बुलाया नहीं, खुद पहुंचाया उनके पास भोजन पानी। इस कोरोना काल में फरिश्ता बनकर उभरे शहर के कुछ युवा। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। इस कोरोना काल में दिहाड़ी मजदूरों को दो वक्त की रोटी की जुगाड़ करने के लिए लाले पड़े हैं। वहीं उनके दर्द को समझते हुए शहर के कुछ युवाओं ने खाने के पैकेट व पानी की बोतलें उन्हें बांटी। और ये खबर है हमारे संवाददाता देवराज सिंह की। तेजी से बढ़ते विकास का तमगा टांगे जनपद में भूख एक बड़ी समस्या है। कोरोना काल और सरकार के दावों के बीच भूख से परेशान दिहाड़ी मजदूर भुखमरी की कगार पर है। वहीं शहर के कुछ युवाओं अंतहीन भूख को मिटाने का दृढ़ निश्चय करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद के शहर में कोरोना कर्फ्यू के चलते दिहाड़ी मजदूर अपने बच्चों को 2 जून की रोटी का इंतजाम करने के लिए दिन भर पुलिस वालों की गालियां व डंडे खाते हैं ताकि वह अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। तो आइए हम आपको मिलाते हैं ऐसे कुछ युवाओं से। ना तो कोई एनजीओ और ना ही किसी से कोई सहायता ली, सिर्फ अपने पैसों से खाने के पैकेट और पानी की बोतलें लेकर निकल पड़े शहर की सड़कों पर, और जहां भी भूखे प्यासे लोग दिखे उन्हें खाना खिलाया व पानी पिलाया। प्रचार, सम्मान या वाहवाही से दूर शहर के युवाओं की एक टोली निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों व भूखे प्यासों को खाना व पानी मुहैया करा रही है। दिहाड़ी मजदूरों के दीन भाव व खाने के हाथ फैलाते देख युवाओं के कलेजे हिल गए। युवा कई दिनों से शहर में ये नज़ारा देख रहे थे, परंतु कोई एनजीओ व कोई नेता भी मदद के लिए सामने नहीं आए। ये देख युवाओं ने गरीबों की भूख का इंतजाम करने का संकल्प लिया। युवाओं की ये नेक पहल देख शायद इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और युवा सामने आए और शहर में भुखमरी की कगार पर पहुंचे इन दिहाड़ी मजदूरों को दो वक्त की रोटी का इंतजाम करा सके। खैर, हम जो युवाओं की टोली खाना पानी बांटते उन्हें मिली कुछ इस प्रकार नाम है उनके। विकास राठौर, अश्मित कटियार, संजीव चौहान, अनूप कुमार, संजय उर्फ मामा आदि। तो देखते रहिए लोग यूपी 76 में। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और खबर में, किसी और समस्या को लेकर किसी और वीडियो में। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 में। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।